अगर आप भी चाहते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा तो जरूर अपनाएं झाड़ू के ये स्पेशल और ख़ास टोटके, क्योंकि ये आपके कंगाली का कारण बन सकती है। ये छोटी छोटी गलतियाँ जो झाड़ू रखने के समय हम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए झाड़ू को कहाँ पर, किस दिशा में और किस स्थान पर रखें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आप अज्ञानता की वजह से यदि कहीं गलत जगह में आपने झाड़ू रख दी तो ये आपकी दरिद्रता और दीनता का कारण बन सकता है। जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर बने रहें, साथ में चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में मुफ्त सूचना पाने के लिए बेल आइकन यानी घंटी को क्लिक कर दें, धन्यवाद। अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में अचानक से ही कंगाली, दुख और दरिद्रता आ जाती है और व्यक्ति को इनका कारण भी पता नहीं चल पाता है। इस स्थिति का कारण आपकी कुछ गलतियां भी बन सकती हैं। जी हाँ, वास्तु के अनुसार की गई कुछ गलतियां जीवन में कंगाली लेकर आती हैं। आज हम आपको उन्हीं गलतियों की जानकारी देने जा रहे हैं जिनमें सुधार करके कंगाल होने से बचा जा सकता है। तो आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में और उन उपायों के बारे में। पहला है, घर में भगवान की कोई ऐसी प्रतिमा ना रखें जो खंडित हो या जिसका कोई अंग भंग हो चुका हो, टूटा हुआ हो। इसे नदी में विसर्जित कर दें, नहीं तो इससे धन संबंधी परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं। दूसरा है, घर के उत्तर पूर्व कोने में अलमारी या तिजोरी रखने से भी धन हानि होने लगती है। अलमारी को हमेशा दक्षिण दिशा की दीवार से लगा कर रखें, इससे उसका मुंह उत्तर की ओर खुलेगा जिससे धन की बढ़ोतरी होगी। तीसरा है, अगर आपके घर में कोई शीशा टूटा हुआ है या दरार आ गई है या फिर खिड़की का कांच टूट गया हो तो इसे तुरंत बदल दीजिए। इससे न सिर्फ धन हानि होती है बल्कि इससे घर में नेगेटिव एनर्जी भी प्रवेश कर जाता है। उसके बाद है, बेडरूम में जूठे बर्तन कभी भी ना रखें। इससे कंगाली के साथ परिवार की सेहत खराब होती है। बेड के नीचे जूते भी ना रखें, वही रात के समय भी जो रैक होते हैं उसमें जूठे बर्तन कभी नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। पांचवा है, इस्तेमाल करने के बाद तथा खाने के बाद, मतलब जो तवा है और कढ़ाई है इसको सीधा न रखें। इससे राहु दोष होता है जिससे न सिर्फ पैसों की किल्लत आती है बल्कि घर में भी कलह क्लेश का माहौल बना रहता है और हमेशा इसको प्रयोग करने के बाद उल्टा करके रखें बर्तनों को। छठवां है, घर में कोई पानी नल या पाइप खराब हो तो उसे ठीक करवाएं तुरंत, क्योंकि इससे धन संपत्ति की हानि होती है। वही नहाने के बाद बाथरूम साफ जरूर करें, इससे राहु सही रहता है। सातवां है, सूरज डूबने के बाद झाड़ू ना लगाएं। इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर की बरकत रुक जाती है। इसके अलावा झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां से वो किसी को नजर ना आए। उसके बाद आठवां है, घर में ऐसे पौधे बिल्कुल ना लगाएं जो कांटेदार हो या फिर जिनमें से दूध निकलता हो। इस तरह के पौधे धन संबंधी परेशानियों के साथ साथ अन्य समस्याओं का कारण भी बन जाते हैं। तो यह है कुछ जानकारियां वास्तुशास्त्र के अनुसार, जो लाल किताब में जो जानकारियां दी गई उसके अनुसार
इन उपायों को करके आप अपने धन संबंधी जो प्रॉब्लम है उसका निराकरण कर सकते हैं और जो विघ्न है उसको आ रहा है उसको हटाकर आप समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी का लाभ उठाकर फायदा उठा सकें। धन्यवाद।